हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपाली सिंह, फिजिकल एजुकेशन टीचर, गांधी स्मारक प्लस टू उच्च विद्यालय। मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही आम टॉपिक पे चर्चा करने जा रही हूँ, जिसको आम बोलचाल की भाषा में चोट लगना, टूटना, फूटना, कट हो जाना ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम लोग इसको फिजिकल एजुकेशन के टर्म में या डिक्शनरी में इसको हम लोग इंजुरी के नाम से जानते हैं। इंजुरी का मतलब डेफिनेशन जो है उसको बहुत अच्छे से जब हम लोग को डिफाइन करना हो तो हम लोग सिर्फ ये बोलेंगे कि एनी पार्ट ऑफ द बॉडी गेट हर्ट, बॉडी के किसी भी पार्ट पे किसी भी चीज़ से चोट लगना। चलते चलते आपस में पैर जब एक दूसरे से टकराते हैं और हम लोग गिर जाते हैं, उस समय में भी जो चोट लगती है उसको हम लोग यही बोल सकते हैं कि वी गॉट इंजर्ड। आप रोज स्कूल आते वक्त खुद भी कई बार ऐसा होता है कि आपको चोट लग जाती है, या स्कूल आते वक्त आपको कई बार दिखता है कि कोई बाइक वाला, कोई रिक्शा वाला, कोई गाड़ी वाला गिर गया है, या किसी को कहीं चोट लग गई है। तो चोट कई तरह के हो सकते हैं, छोटी चोट भी हो सकती है जिसको हम लोग माइनर इंजरी बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है हमारे टिश्यूज़ का, सेल्स का। और मेजर इंजुरीज में हम लोग दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, एक्यूट इंजुरी और ओवर यूज इंजुरी। ये दोनों ही इंजुरी जो हैं, इसमें जब हमारे बॉडी पार्ट में जब चोट ज़्यादा लगती है और हमारा नुकसान ज़्यादा होता है, जिसको ठीक होने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे कुछ चोट के बारे में हम लोग यहाँ अभी पढ़ेंगे अलग अलग नाम से जिनको हम लोग जानते हैं। एक्यूट इंजुरी का मतलब होता है अचानक से कहीं हम लोग को कहीं गिर गए, सर में चोट लग गई, पैर में लग गया, कहीं भी, उसको हम लोग सडन ट्रॉमा के नाम से जानते हैं। अचानक से कुछ भी हो जाए उसको हम लोग एक्यूट इंजरी बोलते हैं। ओवर यूज इंजरी का मतलब है कि कहीं एक हल्की सी चोट है, कोई खरोच है, और उसी जगह पे बार बार चोट लग रहा है, जिसकी वजह से वो घाव मेरा ठीक नहीं हो रहा है, और उसको हम लोग ओवर यूज इंजरी के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि सीरीज ऑफ स्मॉल इंजुरीज, कई सारे छोटे छोटे चोट मिलके किसी एक बड़े चोट को अगर बना रहे हैं तो उसको हम लोग ओवर यूज इंजरी बोलते हैं। ओवर यूज इंजरी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप कई बार किसी खिलाड़ी के मुंह से सुनते होंगे कि उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है। हेयर लाइन फ्रैक्चर जो है वो दिखता नहीं है, एक्सरे वगैरह में बहुत कम वो देख पाते हैं हम लोग, एक्सरे भी कराने जाएं तो उसका हम लोग को नहीं पता चलता, उसको हम लोग सिम्टम से पहचानते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हम लोग कोई काम अगर पैर में है वो फ्रैक्चर, तो हम लोग अच्छे से अपना पैर जमीन पे प्लेस नहीं कर पाते हैं, दिखेगा नहीं, लेकिन वो जो है हमारे लगातार प्रैक्टिस से, लगातार हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारा वो दर्द बढ़ता जा रहा है, उसको हम लोग ओवर यूज इंजरी में पढ़ेंगे और जानेंगे। हम लोग कोई भी इंजुरी जब हो जाती है उसके ट्रीटमेंट की बात, उससे कैसे बच सकते हैं, या उसके कॉजेज क्या क्या हैं, इसके बारे में भी जब हम लोग को जानना हो तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उसके कॉज क्या हो सकते हैं, किसी भी इंजुरी के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कॉज होता है हमारा केयरलेसनेस। अगर हम केयरलेस हैं तभी मुझे कोई चोट लगेगी। तो सबसे ज़रूरी है कि हम लोग अगर रोड पर चल रहे हैं या ग्राउंड में हैं, कहीं भी हैं, हम लोग को बहुत केयरफुल रहना है और अच्छे से ध्यानपूर्वक ही कोई काम करना है। दूसरा होता है कि अगर हमने प्रॉपर किट, प्रॉपर शूज़, जो भी हमारा स्पोर्ट्स का, या हम नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप बहुत टाइट जूता पहन लेते हैं तो आपके पैर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कपड़े अगर बहुत टाइट होते हैं तो भी आपको अलग अलग तरह के रैशेज या इचिंग वगैरह की परेशानी होती है। इसलिए जो भी है हमारा इक्विपमेंट और किट जो भी है वो प्रॉपर होना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि हम लोग को, अगर हम लोग ग्राउंड में जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हमारी कंडीशनिंग, मतलब हम लोग अपने आप को पहले से तैयार करके रखेंगे कि आज हम लोग को नया चीज़ क्या सीखना है। अगर पहले से वो चीज़ हम लोग नहीं, अपनी तैयारी हम लोग पूरी नहीं रखेंगे तो कोई भी टेक्निक करने में या कोई भी एक्सरसाइज करने में चोट लग सकती है। और चौथा चीज़ है कि जब भी हम लोग ग्राउंड में खेलने जाते हैं उसके पहले हम लोग को अपने बॉडी को वार्म अप करना है। वार्म अप हम लोग रहेंगे तो हमारे चोट लगने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है। कुछ कॉमन इंजुरीज़ के बारे में मैं बताती हूँ जिसको हम लोग लगातार अपने जीवन में, दिनचर्या में हम लोग देख रहे हैं और उसको हम लोग
कुछ और नाम से जानते हैं, लेकिन हम लोग जब उसका साइंटिफिकली उसको जब हम लोग समझेंगे और जानेंगे तो हम लोग को उसका डिफरेंस पता चल जाएगा। सबसे पहला है स्प्रेन। सब जितने भी खिलाड़ी हैं वो ये बता देते हैं कि उनका स्प्रेन हो गया है। स्प्रेन क्या है? स्प्रेन जो है वो लिगामेंट की इंजुरी होती है। लिगामेंट आप सभी लोग को पता है लिगामेंट क्या होता है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से जान पाते हैं उसको कि लिगामेंट क्या है। लिगामेंट जो है बोन हमारे शरीर में जो भी अलग अलग दो बोन है जिसको ज्वाइंट बोलते हैं, दोनों ज्वाइंट के बोन्स को कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट के अंदर जब किसी तरह के टीयर मतलब उसका टूटना या रप्चर मतलब भी फटना या टूटना ही होता है। तो जब हमारे लिगामेंट्स में किसी तरह की चोट होती है तो उसको हम लोग स्प्रेन बोलते हैं। दूसरा है स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है वो टेंडन्स की इंजरी है। अब टेंडन्स क्या होते हैं, जो भी साइंस के नहीं है उनको नहीं पता चलेगा कि टेंडन्स क्या होते हैं। चिकन कितने लोग खाते हैं? बहुत लोग खाते हैं। जो भी चिकन खाते हैं उनको ये पता होगा, वो देखते होंगे, जब भी आप चिकन का लेग पीस या उसके फ्लैश को जब आप अपनी दांतों से निकालते हैं तो उसमें कुछ काले काले जैसा एक पतला धागा नुमा संरचना दिखता है, उसको हम लोग टेंडन बोलते हैं। टेंडन क्या है? जो आपके मसल्स को आपके बोन्स से कनेक्ट करता है वो टेंडन्स है। तो जब हमारे टेंडन्स में इंजुरी होती है उसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि जब वो तो बहुत इंटरनल चीज़ है, उस तरह का हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी वो इंजुरी कैसे हो सकती है? जो खिलाड़ी नहीं है उनको तो ये सब इंजुरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप कई बार सीढ़ियों से उतरते रहते हैं और आपका बॉडी इम्बैलेंस होता है, आपका पैर मुड़ता है। जैसे ही वो मुड़ता है तो आपके वहाँ पे लिगामेंट्स की इंजुरी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी इंजुरी है वो सिर्फ खिलाड़ियों को होगी, ये सारी ही इंजुरी कॉमन है जो किसी भी आदमी को, या वो खिलाड़ी हो या ना हो, उसको ये इंजुरीज हो सकती हैं। तो स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। एक इसका बहुत आसानी से समझने का मैं ये बता सकती हूँ, टी फॉर टेंडन, इससे आप इसको पकड़ लेंगे कि ये लिगामेंट की है, टी से टेंडन होता है, ये टेंडन की इंजुरी है। तीसरा है फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स सबको पता है कि फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, बोन्स का टूटना। हमारे शरीर के अंदर जितने भी बोन्स हैं, कहीं के भी बोन के अगर बोन्स का ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं। वो छोटे मतलब हल्का भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा बोन्स एक साथ मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं और सिंपल फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। फ्रैक्चर्स को हम लोग कई तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें कुछ कॉमन है सिंपल फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर को मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगी। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है? जब आप किसी हरे पेड़ की टहनी को तोड़ते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं तो एकदम से नहीं टूट जाता है, उसका कई पार्ट में अलग टूट कर अलग नहीं होता है बल्कि कई सारे पार्ट्स में वो बढ़ जाता है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं। इस तरह से जब कोई लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से टूट के अलग नहीं हो बल्कि वो कई पार्ट्स में वहीं बीच बीच में अलग हो जाए और एक दूसरे से अलग नहीं हो, उसको हम लोग ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स बोलते हैं। डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब होता है कि जॉइंट जो है, जॉइंट से बोन्स का अलग होना। ये हर जगह नहीं हो सकता है, सिर्फ वैसे ही जगह होगा जहाँ पर भी हमारा बोन एक कोटर जैसा बना हो जिसमें एक दूसरा बोन आके फिक्स होता है, जिसको पाइवट बोलते हैं। उस तरह के बोन्स में ये होता है, खास करके ये शोल्डर में होता है। अब पांचवें से आठवें तक के जो इंजुरीज हैं ये मैंने मसल्स और लिगामेंट टेंडन्स और बोन्स की बात की। ये चार जो इंजुरी हैं वो उन्हीं पोर्शंस में होते हैं जहाँ मसल्स हो, लिगामेंट्स हो, टेंडन्स हो और बोन्स हो, ये उन जगहों पे होता है। ये बाकी जो कुछ कॉमन इंजुरीज की मैं बात करूँगी, ये आपके स्किन और उसके नीचे के लेयर, स्किन का जो निचला सतह जो होता है, आप स्किन को जब पढ़ेंगे वो कई लेयर्स में बटा होता है। तो ये अगला जो पाँच से आठ तक का जो एग्जाम्पल्स हैं, जो नाम है, वो स्किन से जुड़े हुए इंजुरीज हैं, जिसमें सबसे पहला है एब्रेजन।
एब्रेजन जो है वो बहुत ही सिंपल इंजरी है, कोई बच्चा खेलते खेलते पिन से आपके स्किन पे अगर लग जाता है तो बहुत हल्की सी खरोच जैसी एक निशान आती है आपके स्किन पे, जिसको हम लोग एब्रेजन बोलते हैं। इसमें बहुत गहराई तक आपका कट नहीं होता है और ये घाव जो है एक दो दिन में ठीक भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ इसमें नहीं होती है। लेकिन ये है कि आप इसको ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे तभी, नहीं तो इन्फेक्शन के चांसेस स्किन इंजरीज में ज़्यादा होते हैं। दूसरा है कंट्यूजन। कंट्यूजन जो है वो डायरेक्ट ब्लो है, खेलते खेलते कई बार ऐसा होता है कि मेरा सर किसी दूसरे के सर से टकरा जाए, ठोकर लगी गिरे और किसी चीज़ पे एकदम से जोर से सर टकराता है, उस समय में क्या होता है एक बम्प आता है आपके सिर पे, सूजन हो जाती है। इसमें क्या होता है वो डायरेक्ट ब्लो हुआ, आपका सिर टकराया जमीन से, डायरेक्ट ब्लो हुआ आपके सिर में, सूजन हो गई, ब्लीडिंग स्टार्ट जो होगी वो इंटरनल होगी, इंटरनल होगी जिससे मसल्स में और आपके टिश्यूज में ब्लड जो है वो फैल जाता है और काला आपको धब्बा जैसा निशान जैसा दिखना शुरू हो जाता है, इसको हम लोग कंट्यूजन बोलते हैं। ब्रूज, ब्रूज जो है वो शार्प ब्लो है, जैसे कोई डंडे से या किसी मोटे चीज़ से जब आपके ऊपर प्रहार करता है उस समय जो चोट लगती है उसको हम लोग ब्रूज बोलते हैं, और इसमें भी इंटरनल ब्लीडिंग ही होगी, इसमें भी चोट जो है उसके साथ सूजन होगा, आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे लगे ये सूजन होगा और इंटरनल ब्लीडिंग होगी। और लैसरेशन जो है ये भी डायरेक्ट ब्लो ही है, शार्प ब्लो ही है, लेकिन इसमें ब्लीडिंग जो है वो ऊपर आ जाती है, मतलब आपका स्किन रप्चर हो जाता है, फट जाता है और आपके खून का बहाव बाहर की तरफ भी होने लगता है। अब मैं ये जो भी स्प्रेन स्ट्रेन इन सब की जो ट्रीटमेंट है, घरेलू उपचार क्या होगा इसके बारे में मैं बता दूँ। जब भी आपको कहीं चोट लगती है तो आप क्या करते हैं, जाके उसको गर्म पानी से धोने लगते हैं, गर्म पानी से सिकाई शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, गर्म पानी से सिकाई करने से क्या होता है आपका वहाँ ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपके चोट जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो आपको अभी नया साइंटिफिकली जो बताया गया है वो है कि जब भी आपको कहीं चोट लगती है आपके लिगामेंट में, टेंडन में, मसल्स में, इस तरह की जब बात होती है, फ्रैक्चर के लिए नहीं, फ्रैक्चर में आप ये जो ट्रीटमेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसको आप अप्लाई नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपके मसल्स और टिश्यूज़ के इंजरी के लिए है। तो आपको राइस का फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ लिख दिया है, राइस सबसे पहला जो है, आपको जैसे ही चोट लगती है और आपको चलने फिरने में असुविधा होने लगती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम में आपको सबसे पहला काम करना है आपको रेस्ट करना है। जब तक आप रेस्ट नहीं करेंगे आपके उस घाव का भरना जो है वो आसान नहीं होगा। दूसरा ट्रीटमेंट है आइस। आप आइस को जमे हुए, मतलब पानी को, बर्फ जिसको बोलेंगे, बर्फ को आप किसी प्लास्टिक के अंदर डायरेक्ट आप अप्लाई मत कीजिए अपने चोट पे, किसी प्लास्टिक के अंदर या किसी कपड़े के अंदर उसको रख के, और आप कम से कम उसको 10 मिनट तक अपने चोट पे उसको अप्लाई करेंगे। तीसरा है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है दबा के रखना। जब आपको चोट लगती है तो आप उस पर एक बैंडेज, क्रेप बैंडेज मिलता है मेडिकल स्टोर्स में, आप वो क्रेप बैंडेज आइस के एप्लीकेशन के बाद वो क्रेप बैंडेज आप उससे टाइटली उसको अपने चोट के ऊपर, आपके जो भी है वुंड उसके ऊपर आप उसको अच्छे से रैप करें। और चौथा है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है उठा कर रखना। चोट जब लगती है आप अगर उसको ऊपर की तरफ, कोई तकिया या किसी भी ऊंचे चीज़ से सहारे से अगर आप अपने पैर को, अगर पैर में लगा है तो उसको ऊपर की तरफ करके रखेंगे ताकि ब्लड का सर्कुलेशन उधर जो है थोड़ा कम होगा, जिससे आपके चोट को आराम मिलेगा और आपका चोट जल्दी ठीक होता है। तो ये चार जो स्टेप्स हैं ये आपको हर किसी को भी, वो चाहे खिलाड़ी हो या कहीं भी आप रह रहे हैं, कहीं भी वर्किंग प्लेस पे कहीं भी आप हैं, अगर आपको स्प्रेन या स्ट्रेन की शिकायत है तो आप ये ट्रीटमेंट अपना सकते हैं। अब कुछ इंजुरी से बचने का मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंजुरी ना हो, इसके लिए हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। थैंक यू।